हेलो फ्रेंड। तो आज हम एक बिगनर्स गाइड दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, जिससे गणेश सरकारी। तो हम आज लेग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो उसमें आप हमें बताएंगे कि मतलब कौन कौन से एक्सरसाइज हैं, कैसे होता है लेग। कोई लोग स्किप भी करते हैं, लेग करना कितना जरूरी है। मतलब आपके लेग्स मतलब इतने मतलब कॉम्पिटिशन में देखा था इतने बढ़िया है, तो क्या कहना चाहते हैं उसका? एक इंसान को खड़ा होना है तो सबसे पहले बेस चाहिए। अगर बेस ही मजबूत नहीं होगा तो अपर बॉडी बना के कोई फायदा नहीं है। तो हम लेग अगर स्किप करते हैं तो हमारा लोअर पार्ट है बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसलिए हमें पहले अपना लेग्स देखनी है, उसके बाद और एक्सरसाइज देखनी है। लेग्स के दिन देखा होगा आपने, ज्यादातर इंसान ही आता है जिम, मगर ऐसा करना नहीं है। लेग्स छोटे लेग्स मतलब ऐसा भी होता है कि कई बार जैसे डेडलिफ्ट मान तो अगर हाँ लेग्स मजबूत होंगे डेडलिफ्ट भी बढ़ जाती है। लेग्स जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी डेंजरस भी है, क्योंकि ज्यादातर जो है लड़के आते हैं जिम में, ये को लिफ्टिंग करते हैं तो हैवी वेट मारते हैं, इंजरी कर लेते हैं। तो कैसे मारनी है और कितने अच्छे तरीके से मारनी है ये आज हम बताएंगे, कितनी ज्यादा इंपोर्टेंट है और कैसे मारनी है, सही तरीका क्या है। चलो ठीक है, फिर चलते हैं। कमर को टोन नहीं करना है, उठते समय ना ऐसे नहीं करना, सीधे लेग्स की। ये मैं बहुत से रोज 10 मिनट प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में माना जाता है कि जब भी आप अपने रैप मारने जाते हैं, सबसे पहले वार्म अप के बाद एक प्रिपरेशन शेट मारा जाए, जिसे कैपेसिटी टेस्ट सेट भी कहते हैं। सबको पता है कि हर दिन एक जैसा कैपेसिटी नहीं रहती, यानी कि हर जगह एक जैसी स्ट्रेंथ नहीं रहती है। तो आज आपकी स्ट्रेंथ कैसी है, तो इसको चेक करने के लिए प्रिपरेशन सेट मारा जाता है, जो कि PR से थोड़ा 10-15 kg कम करके मारा जाता है। अगर आप इसको कवर कर लेते हैं, इसका मतलब आप स्ट्रेंथ और PR में जाके आप रैप कर सकते हैं। फिर प्रिपरेशन सेट के बाद हम जाएंगे फील सेट में, जहाँ पे हम अपना डे का मैक्स मारेंगे। तो वार्म अप हो गया, फिर उसके बाद कैपेसिटी भी चेक हो गई, फिर उसके बाद एक हमारा फेल मार दिया। दूसरा फेल, इसके बाद थोड़ा रैप आए थे, 10-10 kg बढ़ा रहा हूँ, 8 रैप मारे। स्क्वाड के बाद है कि स्क्वाड क्यों? हाँ, तो एक साथ एक ही मसल्स बार बार करने का वो नहीं होगा फिर क्रैम्प वगैरह कुछ? नहीं, मसल ये मतलब सारी एक्सरसाइज जो है वो अलग अलग मसल जोड़ लेंगे। हाँ, क्वाड्स के लिए, आउटर क्वाड्स के लिए। फिर हम लेग प्रेस करेंगे इनर क्वाड्स के लिए, फिर हम करेंगे इनर थाई। अच्छा, इनर की मसल के लिए, बात करेंगे। बात करेंगे पहले सेट होगा सर, प्रिपरेशन सेट। प्रिपरेशन सेट इसलिए आपको बता रखा है मैंने अपनी कसरत चेक करने के लिए, क्या इस पोजीशन में कितने अच्छे से वेट मार सकते हैं, वेट मार सकते हैं। पहला या रेगुलर? ठीक है, इसमें रेगुलर रखेंगे तो मैं इसे पहले रख रहा हूँ, इससे अलग मसल्स टारगेट हो रहे हैं।
दो चीज देखेंगे, आपके हिप्स नहीं उठेंगे और आपके लेग्स ये अपनी होंगे, ऐसे नहीं होंगे। अच्छा, ये लोग स्ट्रेट रहेंगे, इनके लाइन में और आपके हिप्स बिल्कुल डाउन रहेंगे। ओके, लेग प्रेस में कई लोगों का सवाल होता है कि पांव कितने नीचे कितने डेप्थ लिया जाए, तो हमने जब ये प्रोफेशनल अपने बॉडी बिल्डर से पूछा तो उन्हें बताया कि आप जितना रेंज ऑफ मोशन ला सकते हैं उतना लाइए, लेकिन कई बार हमने बड़े बॉडी बिल्डर को देखा है कि वो उनका रेंज ऑफ मोशन काफ़ी कम होता है। उसकी वजह यह है कि उनके थाइज और क्वाड्स इतने बड़े होते हैं कि उनका जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो मिनिमम हो जाता है, इसलिए वो चाह के भी और नीचे डेप्थ नहीं ले सकते, इसलिए वो ज़्यादा वेट लगाते हैं और कम रेंज में लेग प्रेस करते हैं। लेग प्रेस तो लोगों को ऐसे मारेंगे, उन्होंने हमारी ड्रग ये हमारे इनर थाई को हिट करेगी, तो उससे लेग्स निकालेंगे इससे बाहर, जैसे लेग लेग्स प्रेस ही आएगी जैसे हमने पैरों की मूवमेंट है ना ऐसी ही तो ठीक रहेंगे। जैसे आप बढ़ के जा रहे हो, अभी कितना लगा है? 50। मेरा अपना मैक्सिमम मार रहा हूं मैं, 55 लगा रहा हूं। वैसे पीआर कितना है आपका अभी? तो ऑफ में हूं, 190 तक मार लेता हूं। 190